प्रायोजक है होटल फाइव सेंसेस, एक एक टेंट एंड केटर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उठी अलग प्रदेश बनाने की मांग। भाजपा महिला मोर्चा महानगर के तत्वावधान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 17 महिला कार्यकर्ताओं को सुषमा स्वराज सम्मान से किया गया सम्मानित। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती से मचा हाहाकार, लोग मोबाइल फोन चार्ज कराने के लिए दे रहे हैं 10 रुपए प्रति घंटा। एक नई आशा के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का भाजपा MLC ने किया शुभारंभ। DVNPG के राष्ट्रीय सेवा योजना के चारों इकाइयों द्वारा एक दिवसीय शिविर का किया गया आयोजन। संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत द्वारा 3 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ आदि पर्व का होगा आयोजन। और MGPG कॉलेज के कॉमर्स विभाग द्वारा विहान फेयरवेल का किया गया आयोजन। पादरी बाजार स्थित एक मैरिज हॉल में राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य कोई और नहीं है, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ है और विश्व में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश के अधिक है। इस लिहाज से अब समय आ गया है कि प्रदेश को विभाजित करके छोटा किया जाए, इससे प्रदेश के हर कोने कोने का विकास सही तरीके से हो सकेगा। उत्तर प्रदेश से अलग करके राम राज्य प्रदेश के नाम से एक अलग प्रदेश बनाया जाए और उसकी राजधानी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को बनाया जाए। इस मौके पर महासचिव अशोक चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव शेषमणि प्रजापति, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश, महासचिव सुभाष चंद्र सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने बताया। देखिए, आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का गोरखपुर में ये पहली बैठक थी जिसमें हमारे जो नए पदाधिकारी जनपद स्तर के बने हुए हैं वो सभी लोग इस बैठक में सम्मिलित हुए और आज पार्टी का जो एजेंडा हमारे है उस एजेंडे पर विस्तार से बात हुआ, जिसमें प्रमुख एजेंडा जो हमारा है कि उत्तर प्रदेश चूँकि एक बहुत बड़ा राज्य है और पूरे देश पूरे विश्व में इससे उत्तर प्रदेश से बड़े सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं जनसंख्या में, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बड़ी होने की वजह से भौगोलिक दृष्टिकोण से इस प्रदेश का बंटवारा होना ज़रूरी है, जिसकी मांग हम लोग अपने एजेंडे में रखे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के जो 7 मंडल हैं, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल, विंध्याचल मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल और अयोध्या मंडल, ये 7 मंडलों में 26 जनपद, 147 विधानसभा की सीटें, 29 लोकसभा की सीटें, ये सारी चीज़ें हैं। इसको एक नए राज्य के रूप में हम लोग देख रहे हैं और इसका नाम कहीं ना कहीं हम लोग राम राज्य प्रदेश के नाम से रखने की मांग कर रहे हैं और इसकी राजधानी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को रखने की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग
अगले महीने से हस्ताक्षर अभियान भी चलाने जा रहे हैं और हर जनपदों में जो 26 जनपद हम बोले हैं, इस 26 जनपदों के जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उनको ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। अगर पार्टी से कोई कार्यकर्ता, देखिए हमारी नई पार्टी है, नई पार्टियों में कार्यकर्ता क्यों जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने बहुत गहन मंथन किया था। उसमें पार्टी जब ऐलान हुई थी उसी समय गठन के समय में ही हमने बोला था कि हम हर कार्यकर्ता को एक आई कार्ड देंगे, उस आई कार्ड के माध्यम से वो निजी अस्पताल, निजी शैक्षणिक संस्थान और किसान जो कि उन्नत प्रजाति के बीज और दवा नहीं ले पाता है, किसानी यंत्र नहीं ले पाता है, उसके लिए हमने रखा हुआ है कि जो भी हमारे साथ टाइफ में अस्पताल, निजी शिक्षण संस्थान और ऐसे शोरूम होंगे उनके पास जाएगा आई कार्ड लेकर के, वहाँ पे 25% तक की छूट हमारे उस आई कार्ड के माध्यम से लेगा। जो पैसा अभी तक दलालों के जेब में जाता था वो हमारे कार्यकर्ताओं के जेब में जाएगा, ये हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए रखा। आगामी नगर निकाय चुनाव क्या प्रत्याशी, इसके लिए हमारी जिला कमेटी स्वतंत्र है, उनको हमने बोला हुआ है कि आप अगर आपको लड़ने की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लड़ना चाहते हैं तो हम उनकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महानगर द्वारा बेनीगंज कार्यालय पर सुषमा स्वराज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि भाजपा महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्वेता श्रीवास्तव के नेतृत्व में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 17 महिला कार्यकर्ताओं को सुषमा स्वराज सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मगहर के चेयरमैन व महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संगीता वर्मा ने महिलाओं को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिताभ गुप्ता, क्षेत्रीय संयोजक अर्चना पांडे, मीना श्रीवास्तव, रानी मिश्रा, उपाध्यक्ष रत्नेश मौर्य सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजेश गुप्ता जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल पूरा हुआ है 2 साल, उस उपलक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में सुषमा स्वराज अवार्ड करके जो एक योजना के तहत हमारे शहर में जितनी भी उत्कृष्ट कार्यों से जो बहने, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, समाज सेविका हो, यानी प्रभावशाली बहनों को हम अपने क्षेत्र से निकाल करके आज सम्मानित करने का जो बीड़ा उठाए हैं, उसी में महिला मोर्चा की महामंत्री आदरणीय जो अभी अच्छा संचालन कर रही थी, रानी जी और मीना श्रीवास्तव जी, ये दोनों लोग महिला मोर्चा की हैं। इस संबंध में सिरिवंत संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, प्रियंका वर्मा व अंजना राजपाल ने बताया। ये हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड जो हमारे उत्तर प्रदेश से महिला मोर्चा के लिए एक कार्यक्रम के माध्यम से आया हुआ है, उसी उपलक्ष में हम अपने शहर के गोरखपुर क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्यों को, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, पुलिस विभाग, चाहे जो भी क्षेत्र की समाज सेविका प्रभावशाली, जो हमारे गोरखपुर क्षेत्र की पहली वाहक हैं एक, जो कि ऑटो चलाई संगीता चौधरी,
ऐसी बहनों को हम लोगों ने आज सुषमा स्वराज अवार्ड मोमेंटम दे करके सर्टिफिकेट दे कर उनका सम्मान किया गया है। क्या समझना चाहेंगी बाकी महिलाओं? सुषमा स्वराज हम हमारे देश के लिए, देश से क्या विदेश तक वो प्रचलित थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जब 2014 में वो विदेश मंत्री बनती हैं, उसके पहले वो पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पढ़ी थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर केंद्रीय मंत्री रहीं, शिक्षा मंत्री रहीं और अच्छी प्रवक्ता और वक्ता भी रहीं। वो हम लोग की प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम सभी बहनें यहाँ से एक पड़ा के रूप में उनको सम्मान और सच्चा श्रद्धा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है क्योंकि ये जो टाइटल है सुषमा स्वराज सम्मान, तो ये खुद में इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मैं बीजेपी को थैंक्स बोलती हूँ कि उनके टाइटल पर ये मुझे सम्मानित किया गया है। आप उनको इंस्पिरेशन मानिए और हर फीमेल्स को उनको फॉलो करना चाहिए, वो एक ट्रू इंस्पिरेशन है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे मेरे नाम के साथ आज प्राइज़ के तौर पे मुझे सुषमा जी का नाम जुड़ गया, जो मेरे लिए हमेशा से आइडल रही हैं, वो हमेशा से प्रेरणा देती रही हैं समाज सेविका के तौर पर। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये अवार्ड मिला मुझे। मैं यही देना चाहूँगी कि जैसे सुषमा जी सबकी आइडल बन करके पूरे देश का नाम रोशन किए, आप सब भी आएँ अपने अपने क्षेत्र से, आप भी आएँ और सबका नाम रोशन करें। विद्युत कर्मियों के हड़ताल का असर आम जनजीवन पर देखा जा रहा है। जहां लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, वहीं लोगों की दिनचर्या में शामिल मोबाइल फ़ोन के डिस्चार्ज होने पर लोग जनरेटर के माध्यम से दुकानों पर मोबाइल फ़ोन चार्ज कराते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जहां लोगों को विद्युत कटौती से विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुकानदारों ने जनरेटर के माध्यम से मोबाइल फ़ोन चार्ज करने का एक नया रोज़गार उत्पन्न कर लिया है। 10 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से प्रति मोबाइल को चार्ज किया जा रहा है। वहीं मोबाइल चार्ज करने वालों को लाइन लगाकर प्रतीक्षा भी करनी पड़ रही है। फिलहाल प्रदेश सरकार और विद्युत विभाग के आपसी सामंजस्य से अब हड़ताल स्थगित हो गई है, लेकिन विद्युत बहाली कब तक होगी, ये समस्या लोगों को सता रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदार व मोबाइल चार्ज कराने आए ग्राहकों ने बताया, मोबाइल चार्ज इसीलिए कि लोगों का सारा जीवन अस्त व्यस्त एकदम ठप पड़ा हुआ है। 3 दिनों से कोई लाइट वाइट है नहीं, मेरी सारी आइसक्रीम एकदम गल के राख हो चुकी है, 15-20 हज़ार का सारा आइटम खराब हो चुका है। तो हार गुन के मैंने जनरेटर लगवाया तो आरी बगल के लोग मोबाइल चार्ज में लगा दें, घर का मोबाइल ला रहा हूँ चार्ज लगा दे रहा हूँ, बहुत बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई सरकार का कोई रुझान ही नहीं है, इधर मेडिकल से इधर लाइट ही नहीं है, इधर 3 दिनों से लाइट नहीं है। कस्टमर भी आते हैं यहाँ चार्ज करवाने? कस्टमर कोई व्यवहार ना जा रहा है कि भाई 10 मिनट लगा दीजिए, तो क्या किया जाए, लगा ही दिया जा रहा है, पेट्रोल जा रहा है वो अलग अलग खर्च है, जनरेटर का किराया 1000 रुपया ले रहे हैं सब एक दिन का, वो अलग खर्च है, मतलब एकदम समझ जाइए कि हम लोग बहुत घाटे में चल रहे हैं। यहाँ पे लगभग 3 दिनों से 10-10, 20-20 मोबाइल आ जा रही है, परेशानी बहुत ज़्यादा है भैया। कौन सा एरिया है ये? फतेहपुर मेडिकल कॉलेज 3 नंबर बोरी। एक नई आशा के तत्वावधान में सिविल लाइन स्थित एक लॉन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि MLC एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने एक नई आशा की सेवा भावना की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं विशिष्ट अतिथि IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि रक्तदान के लिए व्यापक सहमति बनाना अत्यधिक प्रशंसनीय है। एक व्यक्ति रक्तदान कर 3 मनुष्य को जीवन बचाने का कार्य करता है, इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान शिविर में
जिला चिकित्सालय के ACMO डॉक्टर आलोक कुमार चौधरी एवं रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर जय प्रकाश सिंह का विशेष योगदान रहा। शिविर में लगभग 70 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी अरुणेश सुनैना बंका, तन्वी अग्रवाल, आशीष छापरिया, सीमा छापरिया, विवेकानंद वर्मा, अमित, बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोग व पदाधिकारी मौजूद रहे। आगे अनुपम का और राजू द्वारका जी से निवेदन आगे आ जाए, पवन चौधरी जी से निवेदन आगे आ जाए और ब्लड बैंक के डॉक्टर जीपी सिंह जी का स्वागत करें। आशीष शापरिया जी, अजीत अग्रवाल, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, और समय समय पर सेवा के अनेक काम, विद्यालय को गोद लेकर के चलाना, गरीबों को दवा मुफ्त में दवाई देना, या कोई चश्मा या उनको आई शिविर लगा करके उनको निःशुल्क ऑपरेशन कराना, सेवा के अनेक काम एक नई आशा संस्थान करती है। आज उन्हीं के तत्वावधान में यहाँ पर रक्तदान शिविर के आयोजन में मेरा आना हुआ है। मैं इस संस्था को बधाई देना चाहता हूँ कि सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के अद्वितीय उदाहरण पेश करने का काम यह संस्था कर रही है, और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि यह संस्था आने वाले दिनों में और समाज क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम करें। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं उशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन, मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के चारों इकाइयों महाराणा प्रताप सुभाष, गोरखनाथ एवं मीराबाई की एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिसर में एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर आधारित जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में DDU अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का नेतृत्व महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए रैली महाविद्यालय में आकर आम सभा के रूप में तब्दील हो गई।
इस रैली में महाविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर धीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पीयूष सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार यादव एवं स्वयं सेवक लीडर छात्रपाल सिंह विभिन्न स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किए। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए डीडीयू अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया, आज दिग्विजयनाथ कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों के द्वारा स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर ये जो रैली निकाली जा रही है, बस एक समाज में संदेश जाए कि जब तक हम स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे तब तक भारत का विकास हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि समाज में जो गंदगी फैली हुई है, विभिन्न प्रकार की गंदगियों में जो है सड़क का कूड़ा, हमारे घर का कूड़ा, जाते हैं तो रास्ते का कूड़ा, ये सब, इसके प्रति समाज जब तक जागृत नहीं होगा और उसको जागृत करने के लिए युवा वर्ग को ही आगे आना पड़ेगा, तो उसी के लिए दिग्विजयनाथ कॉलेज के स्वयंसेवक जो है आज समाज को जागरूकता देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये रैली निकाले हुए हैं। साहित्य, कला एवं रंगमंच को समर्पित भारतीय संस्था संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत चैत्र शुक्ल एवं नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन आदि पर्व के नाम से 21 से 23 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सांस्कृतिक महाकुंभ में स्थानीय कलाकारों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। जानकारी गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत के महामंत्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने दी। सभी को विदित होगा कि अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के हिसाब से 22 मार्च को इस वर्ष नए साल की शुरुआत होनी है, जो हमारा ये भारतीय नववर्ष होता है। उसी संदर्भ में इस वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत आयोजित कर रही है। 21 तारीख को हम लोग मंगल कामना यात्रा निकालेंगे, जो आपके कचहरी क्लब से शुरू होकर बैंक रोड, विजय चौराहे, सिनेमा रोड, गणेश चौराहे और कचहरी चौराहे पर आकर वापस समाप्त होगी। ऐसे में इस सभी से बहुत प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को अत्यंत सफल बनाने की कृपा करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि जो है हमारा नववर्ष क्या है, वरना तो हम 31 की रात में झूमते गाते ही रहते हैं। तो ऐसे में हम सभी का ये दायित्व है, हमारा और आपका भी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने इस माध्यम से ज़्यादा लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि हमारा नववर्ष इस वर्ष 22 मार्च को पड़ रहा है और 22 और 23 को कचहरी क्लब मैदान पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए तरह तरह के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका भी आह्वान है कि इसको सफल बनाने के का कष्ट करें। धन्यवाद। महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर के कॉमर्स विभाग द्वारा विहान फेयरवेल का आयोजन कॉमर्स विभाग में किया गया। आयोजन में छात्र एवं छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, एक दूसरे को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए छात्र एवं छात्राओं ने बताया,
मैं देखिए आज बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ, लेकिन आज के डेट में मुझे 3 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, और 3 साल के पीरियड में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसका हमने सामना किया, कुछ पढ़ाई के क्षेत्र में हुए, कुछ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हुआ, और आज जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पाक शास्त्र, और इंग्लिश में कहते हैं कि फेयरवेल के नाम से हम लोग जानते हैं, और आज इस MGPG के प्रांगण में सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की ओर से हम लोग को ये फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है, और इसमें हम लोग सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि हम लोग के पीरियड में हमारे देखने में इससे पहले इस तरीके का आयोजन और इस तरीके का फेयरवेल पार्टी की शुरुआत मेरे देखने में और हम सबके देखने में ऐसी कभी हुई नहीं थी, और आजकल के डेट में ये चीज़ अगर MGPG की ओर से हम लोग को दी जा रही है तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और हमारे सारे मित्रगण खुश हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसका हम लोग एक पूरी यादगार की तरह पर हम लोग अपने जीवन में इसको स्मरण करेंगे और सारी यादें अपने दिलों में संजो के रखेंगे। यहाँ पे तो हम लोग की बहुत सारी यादें हैं, 3 साल हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए, क्या बोले हो यार। आज क्या क्या कार्यक्रम किया जाएगा? आज अभी तो ज़्यादातर हम लोग को पता नहीं है क्योंकि हम लोग के लिए सरप्राइज है, हम लोग के जूनियर हैं और सर है उनकी तरफ से है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ यादें हैं कॉलेज की? तो बहुत सारी यादें हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, सब अच्छे ही हैं। मेमोरीज हमारी ये है कि हम सबको बहुत मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद, बहुत सारी यादें यहाँ पे है, कभी कभी कॉलेज में आना, बात करना, टीचर का डाटा, ये सब बहुत मिस करेंगे हम। दिन भर में बस इतना ही, आइए नज़र डाल लेते हैं आज के सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उठी अलग प्रदेश बनाने की मांग। भाजपा महिला मोर्चा महानगर के तत्वावधान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 17 महिला कार्यकर्ताओं को सुषमा स्वराज सम्मान से किया गया सम्मानित। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती से मचा हाहाकार, लोग मोबाइल फोन चार्ज कराने के लिए दे रहे हैं 10 रुपये प्रति घंटा। एक नई आशा के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का भाजपा MLC ने किया शुभारंभ। DVNPG के राष्ट्रीय सेवा योजना के चारों इकाइयों द्वारा एक दिवसीय शिविर का किया गया आयोजन। संस्कार भारती गोरक्ष प्रांत द्वारा 3 दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ आदि पर्व का होगा आयोजन। और MGPG कॉलेज के कॉमर्स विभाग द्वारा विहान फेयरवेल का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।